स्वागत है हमारे YouTube चैनल रविंद्र मॉनिटर पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नए एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप रिचार्ज करके अच्छी खासी कमीशन कमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और ऊपर सर्च बार में आपको टाइप करना है 5% कैशबैक रिचार्ज ऐप। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे, आपके सामने फर्स्ट यहां पे आएगा 5% कैशबैक रिचार्ज बिल पेम। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन के बटन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए रिचार्ज करते हैं या किसी वीडियो के माध्यम से उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं, तो एक बार उसको खुद से ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं जिसमें आपको रिचार्ज एप्लीकेशन बताए जाते हैं और आपके पैसे उसमें फंस जाते हैं। तो कृपया एक दो बार अपने खुद से जानकारी से उसे चेक कर लें। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आएंगे, तो आपके पास आईडी और पासवर्ड होगा नहीं, तो यहाँ पे न्यू यूजर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा जो कि फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको पहले अपना फुल नेम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे एक डाल देना है। उसके बाद आपको एक कोड डाल देना है जो आपको याद रखे, 1 2 3 एग्जांपल के लिए, 4 अंकों का, जिसमें आप जब रिचार्ज करेंगे तो वो पिन के रूप में आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पिन के रूप में डाल देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पर मेरी रेफरल आईडी शो हो रही होगी, ये रेफरल आईडी आप डालेंगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना ऐसे ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी जैसे ही आएगा, आपको यहाँ पे कॉपी करके फिलअप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का सादा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे बात पहले होती है कमीशन की, तो यहाँ पे आपको कितना कमीशन मिलने वाला है वो यहाँ पर आप पहले चेक कर लें। नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे कमीशन चार्ट पे आपको देख लेना है। जो आपको एयरटेल देगा वो यहाँ पे 1.9 और यहाँ पे बीएसएनएल टॉप अप 4.75, बीएसएनएल स्पेशल पर 4.75 और जियो यहाँ पे 1.5% और पोस्टपेड और यहाँ पे डीटीएच सभी के आपको रिचार्ज देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रीपेड रिचार्ज, पोस्टपेड, डीटीएच रिचार्ज यहाँ पे कर सकते हैं। रिचार्ज किस तरह से किया जाता है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर्ड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर और आपकी लोकेशन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको पैसे डाल देने हैं, आप जितने रुपये का रिचार्ज यहाँ पर करना चाहते हैं। उसके बाद आपने जो एम पिन बनाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे व्यू प्लान पर आप क्लिक करके यहाँ पे प्लान भी देख सकते हैं कि आपके रिचार्ज के लिए कौन कौन से प्लान अवेलेबल हैं और कितने पर आपको रिचार्ज करने पर क्या मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट की बात करें तो पेमेंट ऐड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऐड मनी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मिनिमम यहाँ पे आप 10 रुपये का ऐड करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम 200 रुपये का। तो पहले आप मिनिमम आप 100 रुपीज़ या जितने का आप रिचार्ज करना चाहते हैं उतने ही ऐड कीजिएगा। उसके बाद
पहले इस ऐप को आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें ज़्यादा पैसे ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे आप 10 रुपीज़ डालेंगे और पे यूजिंग इंस्टॉल ऐप पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको गूगल पे या फ़ोन पे पर रिडायरेक्ट कर देगा, आप जिससे भी चाहें उससे पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक डेमो के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको अर्निंग होगी अगर आपको किसी प्रकार की अदर ऐप में समस्या हो रही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे रिलेटेड अभी आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।